राधे माँ इन दिनों बेहद संकट में हैं। जी हाँ, कपूरथला निवासी सुरेंद्र मित्तल द्वारा राधे माँ के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि उन्हें चुप कराने के लिए राधे माँ द्वारा धन की पेशकश भी की जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर 3 साल पहले उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कपूरथला पुलिस को जाँच के आदेश दिए थे। पुलिस ने इस पर भी जांच नहीं की और अवमानना का मामला दायर कर दिया गया। अब इसके बाद यह कहा गया है कि पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने कपूरथला निवासी सुरेंद्र मित्तल को धमकाने की मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। राधे माँ के भक्तों द्वारा सुरेंद्र मित्तल को धमकाया जा रहा था। कोर्ट ने ऐसा पंजाब पुलिस के फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए राधे माँ के आवाज के सैंपल की रिपोर्ट आने पर यह आदेश दिया है। राधे माँ द्वारा भी मित्तल को धमकियां दी जा रही थी। एसआईटी में एक आईपीएस और एक पीपीएस अधिकारी को रखा गया है। इसके अलावा कपूरथला के पूर्व एसएसपी पर लगे आरोपों की जांच कर डीजीपी को 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया है। पता चला है कि अदालत को गुमराह करने के प्रयास के आरोप में कपूरथला के पूर्व एसएसपी भी परेशानी में आ सकते हैं। राधे माँ के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और धमकाने की शिकायत करने वाले सुरेंद्र मित्तल के वकील द्वारा पूर्व एसएसपी को अदालत में गुमराह करने का आरोप भी लगाते हुए कटघरे में खड़ा किया गया है। आरोप में यह भी कहा गया है कि पूर्व एसएसपी ने अदालत में गलत बयान दिए हैं। उन्हें हाईकोर्ट के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुए हैं, जबकि उन्हें ईमेल के माध्यम से नोटिस प्राप्त हो गए थे। कुल मिलाकर राधे माँ, जो कि अपने आप को देवी का अवतार कहती हैं, वे इन दिनों इस पूरे प्रकरण को लेकर बेहद उलझ गई हैं।